आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या पर बोले जिलाधिकारी, कहा कि बाहर से आने वाले ट्रेन तथा फ्लाइट यात्रियों की जा रही है कोरोना जांच, आम जनमानस से की अपील, होली के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस तथा मास्क का करें उपयोग। रामगढ़ ताल के समीप नवनिर्मित महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का मंगलवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया निरीक्षण, कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, कहा समय से पूरा करे कार्य। झूठी कहानी बनाकर अपने प्रेमी से मिलने हैदराबाद निकली युवती को पुलिस ने मध्य प्रदेश के विदिशा से किया बरामद, सीओ कैंट ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा पुलिस को गुमराह करने के आरोप में युवती पर होगी विधिक कार्रवाई। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया उद्घाटन, कहा प्रदर्शनी के माध्यम से जनपद को बनाया जाएगा रेडीमेड गारमेंट का हब। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का कैंपियरगंज तहसील सभागार में हुआ आयोजन, आए विभिन्न मामलों का डीएम और एसएसपी ने किया निस्तारण, कैंपियरगंज थाने का भी एसएसपी ने किया निरीक्षण। निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी, निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन, निजीकरण को वापस लेने की मांग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के प्रतीक चिन्ह लोगो हेतु किया गया है प्रतियोगिता का आयोजन, 25 मार्च तक प्रतियोगिता में शामिल होने वाले विद्यार्थी सूचना केंद्र पर जमा कर सकते हैं अपनी प्रविष्टियां, आयोजक प्रोफेसर सुधा यादव ने दी जानकारी, कहा विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत। सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा में गोरखपुर से दिल्ली, पुरी और देहरादून सहित कई जगहों के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग, गोरखपुर से दिल्ली हमसफर ट्रेन शुरू होने पर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। गोरखपुर में मंगलवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,510, अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 33 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह श्रीनेत की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित छात्रों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में गोरखपुर खेल महोत्सव के चौथे दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। और काशी के गंगा आरती के तर्ज पर राजघाट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर दूसरे मंगलवार को भी आयोजित हुआ गंगा राप्ती महाआरती, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।